हम लोग एक बहुत प्यारी डेस्टिनेशन, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लोनावला की एकदम सुपर हैपनिंग जगह, हैपनिंग नहीं बोल सकते इसको, बट बहुत ब्यूटीफुल जगह जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो. पैसा खर्च किया है तो कोई भी चीज छोड़ने का नहीं, सब खाके जाने का. आता को लिफ्ट, लिफ्ट लिफ्ट भैया लिफ्ट. गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल. और जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है द छावनी, विच इज लोकेटेड एट छोनाला, विच इज लोकेटेड एट लोनावला. सो आज है शनिवार, तो मैं आज फटाफट पैकिंग करूंगी. हम लोग को शनिवार की बुकिंग नहीं मिली है और हम जा रहे हैं संडे मंडे की प्लानिंग के. सो जो मेरे चैनल पे नए हैं उन लोग के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम प्रीति है और मेरे 8 बच्चे हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ मुंबई में 7-8 सालों से. तो मेरे 8 बच्चे हैं, इनका मतलब है मेरे 8 कैट्स है. मैं पेट पेरेंट हूँ और उनके साथ मैं रहती हूँ. करीबन वो लोग मेरे साथ 2 साल से हैं लॉकडाउन के बाद से. मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नई नई लोकेशन ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है. तो मैंने सोचा कि चलो इस बारे में लोगों को भी बताया जाए कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं महाराष्ट्र में जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सो यस, दिस इज अबाउट मी. तो मैं एक घर का व्लॉग बनाऊंगी जहाँ पे मैं मेरे बच्चों को दिखाऊंगी कि इसका नाम क्या है, कौन कितना मस्ती करता है, उन लोग की हैबिट्स क्या है. बहुत बहुत क्यूट सी हैबिट है उन लोग की, मैं आपको सच में बताऊंगी नेक्स्ट टाइम. सो स्टे ट्यून्ड टू इन माय चैनल और लेट्स सी. तो मैं फटाफट से पैकिंग करती हूँ, तब तक आप मेरे साथ भी बने रहिए. सो हम लोग थक गए पैकिंग करके और बाकी की सारी चीज़ें जो 2-4 चीज़ें वो मैं सुबह पैक करूँगी और मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे शायद 9-10 बजे के आसपास. तो तब तक के लिए गुड नाइट. गुड नाइट कदू जिंजी, गुड नाइट. ये फाइनली हम लोग पहुँच गए छावनी. सो ये रहा यहाँ का व्यू, कितनी मस्त हवा चल रही है क्या ही बताऊँ मैं. और मेरा कैमरा ना इस ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. यहाँ पे आने के बाद इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंडियन रिचुअल से हमारा माथे पर तिलक लगा के स्वागत किया और इन्होंने हमको गाइड किया है रिसेप्शन एरिया की तरफ. रिसेप्शन एरिया में एक बहुत अच्छी शिवाजी महाराज की ऑयल पेंटेड, जैसे एक्चुअल में शिवाजी महाराज दिखते थे ना वैसी पेंटिंग है ये. तो यहाँ से आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर इनका एक छोटा सा लॉबी एरिया है, आप कहीं दूर से आते हो तो यहाँ पर बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए. और ये देखिए जो मॉन्यूमेंट्स लगे हैं, ये शिवाजी महाराज के टाइम पे जैसे लोग वहाँ के सिपाही पहनते थे वैसा है. ये हमारे गाइड है, ये हम लोग को रूम के बारे में और बाकी सारी छावनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. लाउंज एरिया में एक 2 वॉशरूम है, मेंस और वुमन. तो ये जो दिख रहा है ये है मेंस वॉशरूम. यहाँ पर जो है पुरानी पुरानी चीज़ें रखी है, उसमें से बहुत सुंदर संदूक रखी है यहाँ पर, बहुत प्यारी लग रही थी. सो यहाँ पर ना एक गोल्फ कार्ट है जो इन्होंने कम्यूट के लिए रखी है, आपको यहाँ से लेकर आपके रूम तक, मतलब हमारे टेंट तक ड्रॉप करेगी. सो हमने जो टेंट लिया था वो टेंट का नाम था राहुती. यहाँ पे एक 2 और टेंट है, एक वाड़ा भी है, सो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पर सब मिल जाएगा. हम लोग पहुँच गए हमारे रूम तक. मैं भी आपको मेरे इस टेंट का छोटा सा व्यू देती हूँ, छोटा सा क्या पूरा ही व्यू देती हूँ. तो ये है हमारा छोटा सा टेंट. तो इस टेंट में लगा है एक फैन, इसके अलावा इन्होंने एक दिया है क्वीन साइज बेड, ये इनका ड्रेसिंग टेबल है और ये रही मैं. हाय. यहाँ पे देखेंगे आगे
बहुत कोजी सा लुक है यार रूम को, बहुत कोजी सा। पीछे में जो पेंटिंग लगी है वो है हैंड पेंटेड। उसके अलावा यहाँ पर दो लैम्प लगे हैं, ये जो लैम्प है ना मशाल वाला लुक दे रहे हैं रूम को। इसके अलावा रूम स्लिपर्स, टी केटल, टीवी एंड एसी। ये बाथरूम का डोर है और यहाँ पे है एक छोटा सा बैठने का एरिया, जैसे पुराने ज़माने में कोई आएगा गेस्ट तो बैठने के लिए होता ना वैसा। और इसके पीछे एक विंडो है जिससे आप बाहर देख सकते हो। ये दिया है उन्होंने इमरजेंसी लैम्प, अभी तो यूज़ नहीं करेंगे इसको। अभी हम लोग देखेंगे बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर का व्यू भी बहुत प्यारा है गाइस, आई मीन सच में पुराने ज़माने वाला पूरा लुक दे दिया है। ये जो टैप है उसको बैम्बू वाला शेप दिया है, शायद ब्रास का बना हुआ है। दो मिरर्स लगे हैं, टॉवल्स दिए हैं, सम टॉयलेटरीज, ब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग किट और क्या है लूफा और शॉवर कैप, ऐसे अलग अलग चीज़ें दी है उन्होंने। ये है पूरे बाथरूम का व्यू और इन्होंने कुछ टॉयलेटरीज दी है, प्योर सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइजर एंड समथिंग समथिंग। ये भी बड़ा मस्त ब्रास का बनाया उन्होंने और ये तांबे का लोटा, और देखो कितना सही उन्होंने ये बनाया है वो हैंड सोप डिस्पेंसर। अभी हम लोग निकल रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले नहीं थे तो सीधा लंच के लिए जाएंगे और मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो लेट्स गो। तो लंच का तो हमने बोल दिया था, वैसे उन्होंने बोला था कि आज संडे है और लोग कम है इसलिए हम लोग आपको सर्व करेंगे, अदरवाइज़ ये लोग बुफे लगाते हैं। तो लंच आने तक मैंने थोड़ा सा कर लिया फ़ोटो शूट, लेकिन यहाँ का म्यूज़िक इतना सूदिंग है, इन्होंने इस्कॉन टेम्पल वाला वो म्यूज़िक ला के रखा है, बहुत सूदिंग है। उसके अलावा खिड़की से बाहर देखेंगे ना जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ से ना विसापुर फोर्ट दिखता है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी और मस्त कोजी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन यहाँ का ना सच में बोल रही हूँ एम्बियंस बहुत प्यारा है खाना खाने वाला। ऊपर में आपको पेंटिंग दिख रही है ना, वहाँ पे ना पूरा रामायण का पेंटिंग उन्होंने करके रखा है, पूरा होल रूम में रामायण वाला पेंटिंग है। टेबल देखो इन्होंने कितने सही तरीके से सजाया है, इनका प्लेट्स और स्पून्स सच में बहुत सही है यार, वर्थ कमिंग योर। ये देखो यहाँ से विसापुर फोर्ट दिख रहा है, सही है ना, बहुत प्यारा व्यू। तो उन्होंने तब तक हम लोग को कर दिया था सैलड सर्व, तो सैलड खा रही थी मैं, सैलड और पापड़। पापड़ तो आई डोंट ईट, तो मैंने बोला चलो फटाफट से सैलड निपटा देते हैं खाना आने तक। तो हम लोग ने क्या क्या लिया, उन्होंने कुछ मिक्स वेजिटेबल के, यहाँ से मेरा फेवरेट क्या था तो काला मटन करके उन्होंने एक सर्व किया था, बहुत टेस्टी। और वो जो चिकन पनीर और चीज़, पनीर चीज़ टोमेटो ऐसा कुछ था, वो इतना टेस्टी था और मैंने इतना खाना खाया कि क्या ही बताओ, बस गरम गरम रोटी सर्व कर रहे थे। आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत खा लिया था मैंने, हाइटी के लिए जगह ही नहीं बची मेरे पेट में। हम लोग एक बहुत प्यारी डेस्टिनेशन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोनावला की एकदम सुपर हैपनिंग जगह, हैपनिंग नहीं बोल सकते इसको, बट बहुत ब्यूटीफुल जगह जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, द लग्जूरियस प्लेस कॉल्ड द छावनी। सो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज है संडे। बेसिकली हम लोग आने वाले थे सैटरडे संडे लास्ट वीक, जब आपने देखा होगा मेरा मोंटेरिया का व्लॉग, वो मोंटेरिया के लिए प्लान नहीं था, दैट वॉज रैंडम प्लान, हम लोग आने वाले थे द छावनी, बट हुआ यू वी डिडंट गेट एनी बुकिंग हियर। सो इस वीक हम लोग को यहाँ पे बुकिंग मिली है, तो हम लोग आए संडे मंडे, बट संडे मंडे का जो प्लान हुआ है दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम भीड़ है, बहुत कम लोग हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ हाईटी लेने के लिए, वहाँ पे चलते हैं और मिलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या है स्नैक्स में। आपको पता है मेरा रूल, कोई भी पैसा खर्च किया है तो कोई भी चीज छोड़ने का नहीं, सब खाके जाने का। सो बाहर ना गाइस इतना सही वेदर हो रहा है ना, क्या बताऊं मैं, लेट्स हैव अ लुक। थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है,
आपल्यासाठी झाली. हात कर लिफ्ट कर लिफ्ट लिफ्ट भैया लिफ्ट. मेरे को यहाँ पे क्या दिखा? केकड़ा. मेरे तरफ मत आना. I am scared. 6:30 बज गए दोस्तों और हम लोग हाइटिंग लेकर आ गए और हाई हो गए हैं. टी तो नहीं ली हमने, कॉफी ली है. कॉफी उन्होंने मसाला चालू किए थे. हाँ अच्छा मला आता समझ ला. अभी समझा मुझे कि वो चाहे करके डोर के बाजू में मसाले डोर के बाजू में डोरेमान है. गाने प्रीति चेतराने वॉट एवर पण प्रीतीचे तराने तर आहेत ना.